समीपस्थ ग्राम पंचायत रेमडा में पंचायत स्तरीय समस्या निवारण शिविर लगाया गया था, जिसमें टांडा पारा वार्ड वासियों ने सरपंच, सचिव और जनपद सदस्य सोहन पटेल को टांडा पारा वार्ड 15 रोहित घर से पंचराम परमार घर तक गली में 150 मीटर का सीसी रोड गली कंक्रीट कराने को लेकर आज दोबारा आवेदन देकर पूर्व में दिए आवेदन और आश्वासन को याद दिलाया गया। गौरतलब हो कि ये रेडार गांव की इस गली में हमेशा कीचड़ रहता है और अत्यंत खराब है, जिसे लेकर वार्ड वासियों ने पूर्व में अनेकों बार सरपंच, सचिव और जनपद वासियों को मौखिक और लिखित में आवेदन देकर समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन इस जनप्रतिनिधि द्वारा 15 दिन में कार्य प्रारंभ कराने का आश्वासन देकर भूल जाते हैं और गली में कीचड़ आज भी वैसा ही बना हुआ है। इन जनप्रतिनिधियों के द्वारा आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन इसे लेकर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, जिसको देखते हुए वार्ड वासियों में काफी ज्यादा आक्रोश का माहौल बना हुआ है। निष्क्रिय जनप्रतिनिधियों के झूठे आश्वासन से अब वार्ड वासी त्रस्त हो चुके हैं। उक्त 15 नवंबर वार्ड में सीसी निर्माण कराने को लेकर अनेकों बार सचिव द्वारा भी जानकारी मांगी जाती रही है, जिससे गली की लंबाई, गली का नक्शा आदि जानकारी समय पर दे दिया जाता है, लेकिन गली में सीसी रोड या पेवर ब्लॉक नहीं हो पाया। गली को बनाने वार्ड के खेमराज, माखन, दे सिंह, कुन सिंह, बसंत, राम प्रसाद, हरजी, पीताम्बर, लखन, राजेश, अमर सिंह, मोहन, राजू, पंचराम, मिनकेतन, हेमलाल, रोहित, लक्ष्मण सहित समस्त लोगों ने मांग की है। एक महीने में समस्या का निराकरण नहीं होने पर ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने धरने में बैठने की बात कही है।